प्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और 70वां स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित मंच, मेरा स्टाफ, बच्चों के अभिभावकगण, ग्रामवासी और देश का सुनहरा भविष्य बनाने वाले जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उन सभी को वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये है कि जो अपन आज सांस ले रहे हैं इतने सुख चैन से, किसके पीछे ले रहे हैं? इतने हजारों शहीद हुए जब अपन सांस ले रहे हैं, तो एक दिन जो होता है देश की आज़ादी के लिए, एक दिन अपन 2 घंटे स्कूल के लिए नहीं निकाल पा रहे। ये उत्सव मनाने के लिए, इन शहीदों को नमन करने के लिए एक दिन, उन्हीं की बदौलत आज अपन ये सांस ले रहे हैं, इतने चैन से, इतने आज़ादी से घूम रहे हैं। ये आज़ादी उन्हीं के द्वारा हमें मिली थी। सभी को आमंत्रित किया गया, फिर भी बहुत कम आते हैं। हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, बच्चों का उत्साह बढ़ाने, मात्र 4 दिन में सरिता जी ने तैयारी करवाई है इनको। 4 दिन मिले हमें, क्योंकि पहले ओलंपिक गेम थे उसमें ये बच्चे गए हुए थे। 4 दिन में बच्चों का इतना अच्छा प्रदर्शन आपके आगे कर रहे हैं, तो बच्चों का उत्साह और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको ज़रूर आना चाहिए। बार बार मैं आग्रह करती हूँ आपसे कि बच्चों का तो कम से कम उत्साहवर्धक होना ही चाहिए। आप अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, वो तो है ही नहीं। आप यहाँ तो हमारे पास गिने चुने बच्चे भेजते हैं, लेकिन हमारे जो पास बच्चे आ रहे हैं उनका तो देखो कि क्या कर रहे हैं बच्चे। इनमें देश की भावना है, तो इस भावना को आगे हमें बढ़ाना है, तभी हम आजाद रहेंगे। बार बार में रहिए। एक तो जो बच्चे आते हैं सबसे, जिनके माँ बाप बैठे हैं, उनसे यही है कि उनको नियमित भेजो। कहियो मैं हर रोज, मेरे ख्याल 10-15 फोन तो रोजाना करती हूँ कि आज बच्चा गया है, यू ही रख लिया मैडम जी। अरे यू ही क्या रख लिया, एक दिन जो बच्चा गया पीछे 2 दिन, एक दिन ही भेजते आप। आप बच्चों से कोई काम नहीं होता, सारे दिन गली में फिरते हैं, इसलिए हमारे पास भेजा करो उन बच्चों को। सुबह 7:30 से 1 बजे तक ये बच्चे हमारे हैं, इतने हमारे पास भेजा करो, उसके बाद आपके पास ही रहते हैं ये बच्चे। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़े, कुछ बढ़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस शिक्षा जैसी शेरनी के माँ का जो दूध पी लेगा वो दहाड़ेगा। उनका मतलब था कि अगर जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो ही आगे जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो उसी सिद्धांत पर भी अगर अपन काम करें तो इन बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दें। अब इतना ही नामांकन तो आपने करवा दिया, क्या कहें, बार बार के नामांकित क्यों आप करवा ही नहीं रहे हमारे स्कूल में? स्कूल आपका है, हम तो आए सरकार के कर्मचारी हैं, स्कूल आपका है और फिर भी आप नहीं भेज रहे, बाहर भेज रहे हैं बच्चों को। अब जो जिनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, मैं आज पूछना चाहूंगी कि उनको प्रोग्राम में कितने बच्चों को लिया, किस किस बच्चों को, यहाँ से जितने बच्चे जा रहे हैं उसमें से कितने % बच्चों को प्रोग्राम में लिया है? जो शहरों में बच्चे जा रहे हैं उनको प्रोग्राम में कितना लिया है? शहर में जितने भी स्कूल हैं और फिर भी शहर में भेजे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज पे गौर करते हुए और हमारे पास बच्चों को रोजाना भेजें। बस मेरा ये कहना होगा, भारत माता की जय। धन्यवाद मैम।